नीतीश कुमार के शायरी में तो इतना घुसखोरी बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको पैसा मिल गया, जाती खड़ाने जा रहे हैं तो नीतीश कुमार घुस लेगा। अच्छी रख ले, चमचा को रख लिया है, पैसा मांग रहा है 10,000 पचपन। मोना सिंह भूषा तक है, मोना सिंह तेली, वो 7,000 रुपया हमको महंगा था दाखी खाली कराने के लिए, हम बंद कर दिए। हाँ 7,000 रुपया वो आप दे दिए? नहीं दिए, नहीं कराए। और उसको जन उसको मोट के नाम पर जन जूता का माला टांगा हुआ। मेन बात हमारा नाम है नहीं, आपका नाम नहीं है? नाम नहीं। ये उन नेताओं के ऊपर जोर का तमाचा है जो ये कहते हैं हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मुसलमान है और एक तरफ हिंदू है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सबसे खूबसूरत तस्वीर अब ये है। बिहार में कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव है और इस वक्त हमें बिहार के सीतामढ़ी जिले में, जहां ये जो रास्ता है ये बरगनिया को सीतामढ़ी से जोड़ने वाला रास्ता है, लेकिन इस रास्ते की हकीकत यह है कि यहां पैदल चलना मुश्किल है। दो चक्के की अगर गाड़ी जाती है तो उसका गिरना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि 2017 में यहां भारी सैलाब आया था, जिसके बाद से ये पूरा इलाका सैलाब की जद की वजह से बर्बाद हो गया है, रास्ते पूरी तरह ख़राब हो गए हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे लोग हैं जो आते जाते हैं। चाचा आप का घर यहीं पे है? हाँ जी। रास्ता ये कब से ख़राब है? ये रास्ता तो 3 साल से ख़राब है। 3 साल से ख़राब है? हाँ। तो कब मतलब ये 17 से ख़राब है? 17 से ख़राब है। हाँ जी। कैसी परेशानी होती है आप लोग को? ये परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, परेशानी आने में दिक्कत है। नाम क्या हुआ? शंकर शाह। शंकर शाह जी, ये जो विधानसभा चुनाव कुछ दिनों में आने वाला है, किसको अपना वोट करेंगे? हम लोग वोट दिए थे मतलब कि ठीक है टुन्ना सिंह को। टुन्ना सिंह काम नहीं किया। हाँ, टुन्ना सिंह को काम नहीं किया, टुन्ना सिंह को वोट दिए थे। हाँ उधर देखिए। हाँ, उसके बाद में मतलब कि कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, अब कौन नेता आकर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं। चाचा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कई मतलब बुजुर्ग हैं, कई मरतबा लोगों को विधायक बनाए, जिताए, एमपी भी बनाए अपने वोट की वजह से। ये जो विधानसभा चुनाव है आने वाला, क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से आएंगे या लालू प्रसाद यादव के बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे? अब देखा ना क्या किस्मत चमकल थी। कहाँ घर हुआ आपका? नन बड़ा हुआ। आपको ये जो सरकार है नीतीश सरकार, ये कहता है, इनका कहना है कि हर गली चौक में हमने पक्का कर दिया है, सबके घर में नल जल योजना का तहत पानी जा रहा है, क्या आपके गांव में पानी जा रहा है? घर में पानी नहीं जा रहा है। पानी नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। ये सरकार नीतीश कुमार तो चिल्ला के कह रहे हैं कि हम पानी भेज रहे हैं सब घर। पानी भेज रहे हैं मतलब कि पानी को कोई साधन नहीं, कहीं नलके नहीं, नाले नहीं है, तो पानी जाएगा कहाँ? वो पानी कभी हाथों धोने के लिए नहीं है। कुमार वो अपने हाथ से करेंगे। नीतीश कुमार के शायरी में तो इतना घुसखोरी बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको पैसा मिल गया, जाती खड़ाने जा रहे हैं तो नीतीश कुमार घुस लेगा। अच्छी रख ले, चमचा को रख लिया है, पैसा मांग रहा है 10,000 पचपन। मोना सिंह भूषा तक है, मोना सिंह तेली, वो 7,000 रुपया हमको महंगा था दाखी खाली कराने के लिए, हम बंद कर दिए। हाँ 7,000 रुपया वो आप दे दिए? नहीं दिए, नहीं कराए। हम रखे हुआ है करीब 5,000 रुपया वो दाखिल खारिज में ले रसीद काटने के लिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ चाचा? जहीर खान। जहीर खान, ये तो जहीर खान है। आपका चाचा नाम? शंकर शाह। शंकर शाह, दोनों आदमी बैठ कर आपसी गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप खान हुए और शाह हुए, दोनों लोग आप भी दोनों आदमी एक ही गांव के हैं? हाँ, नगदू गांव के हैं, मसाल हम के गांव के हैं, बाकी ननबड़ा के। एक तरफ मुस्लिम है और एक तरफ हिंदू है? नहीं नहीं, हमको नहीं, नहीं, नहीं वो मैंने कहा हिंदू हुए, ये मुस्लिम हुए। मुस्लिम हुए। कभी आप लोग समाज में खटापन महसूस नहीं होता है? नहीं, खटापन नहीं महसूस होता। नेता लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम फला फला। नहीं नहीं, वो सब नहीं पाए। लड़ाते तो वही लोग ना, लड़ाते तो भी वही लोग, लड़ाते वही लोग है ना। तो ये जो विधानसभा चुनाव कुछ दिनों में आने वाला है, तो आप लोग के लिए ये मुद्दा होगा? ये जो सड़क है खस्ता हाल है पूरी तरह, इसमें क्या कहेंगे? क्या करेंगे? हमको सड़क भी चाहिए, नल जल का चलने वाला नहीं है कभी जिंदगी में। हाँ, दाखी खाली के लिए मिली कि चमचा गिरी रख लेता है वीडियो सी ओ कर्मचारी, घर में जी लेकर पाँचों जाएंगे कटवाने के लिए, तो 50 रुपये पहले रसीद पहले जमा कराइए अलग से, उसके बाद तो रसीद का पैसा लगेगा।
नेताओं के ऊपर जोर का तमाचा है जो ये कहते हैं हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मुसलमान है और एक तरफ हिंदू है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सबसे खूबसूरत तस्वीर अब ये है। तो आप लोग का ये मुद्दा होगा जो विधानसभा चुनाव में आने वाले वक्त में मुद्दा क्या चीज़ है? ये रास्ता जो है, हाँ रास्ता ये होना चाहिए हम लोग का, होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए। तो ये रास्ता कब से खराब है आपका, ये पूरा रास्ता है? सत्तर से खराब है, सत्तर के बाद आया है ना सब राइट साइड कर दिया गया है। अच्छा, चुनाव सिंह जी कि हम रास्ता बना देंगे, फलना जी करेंगे, चुनाव जी किया कोई देखभाल नहीं है। तो पार्टी हुआ तो इधर तो माटी गिरा दिया, उधर माटी गिरा दिया, हो गया काम, उसको बिल पास हो गया। तो आपका वोट किस तरह जाएगा, मतलब एक तरह से एनडीए को जाएगा या गठबंधन? एनडीए मतलब ये है कि बीजेपी को और गठबंधन मतलब आरजेडी को, किधर जाएगा आपका? हम कहेंगे बीजेपी जाएगा, बीजेपी में जाएगा। हाँ आपका चीचा जनता समाज जाते जनता जाएंगे, पर जिधर समाज जाएंगे मेन बात हमारा नाम है नहीं। आपका नाम नहीं है? नाम नहीं। आप तो मुझे लगता है कि आप कई विधायक को जिताए होंगे, नेता बनाए होंगे अपने, सब कुछ किया, बाकी दो साल से हमारा नाम है गड़बड़ है, कहाँ है इसका कोई पता नहीं। तो आपने कभी अप्लाई नहीं किया ब्लॉक में? कौन से हमने जो राशन मिलता है कि नहीं? राशन मिलता है। फिर नाम क्यों नहीं आपका? कहाँ कहाँ कौन नंबर में फेंक दिया है कोई पता नहीं। पेंशन मिलता है? पेंशन, हाँ पेंशन भी मिल रहा है लेकिन नाम नहीं है। नाम नहीं। तो आप वोट नहीं करेंगे? हम नामे नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ से बिलगा देगा, वहाँ जाएंगे वहाँ से बिलगा देता, सही मिलवे नहीं कर रहा था, कहाँ वोट गिराएंगे। एक तरफ ये तस्वीर हिंदुस्तान के लिए खूबसूरती की है, वो बहुत खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये चचा जो है 60 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो गई है अब तक इनका नाम, जी 75 साल से ज़्यादा इनको इनकी उम्र है लेकिन अब तक इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। कोई आदमी बोल दिया था मर गए। अच्छा, इसलिए करके मतलब अब 10 नंबर में है कि 5 नंबर में है, कै नंबर में है, हमारा वार्ड है 4 नंबर, अगर 4 नंबर में जाते हैं तो मतलब ये कोर्स ढूंढवाते कहीं है ये नहीं है। अब कौन दाब दिया वो पाना को, कौन ने दाब दिया मतलब हम लोग को दे नहीं करता है। तो मेरे साथ कुछ और बच्चे हैं जो अपने सामान लेके जा रहे हैं। बाबू मुझे ये बताना कि जो रास्ता आपका है, परेशानी होती है या फिर हमेशा इस तरह झेलने की आदत सी पड़ गई है? परेशानी होती है नहीं तो क्या? उधर देखिए, उधर देखिए, किस तरह की परेशानी होती है? जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। चाचा आप मुझे बताइए, आपका ये इलाका है कि रास्ता कई सालों से ख़राब है, इस पे नेता लोग ध्यान क्यों नहीं देते आप लोग की समस्या को लेकर? नेता कहाँ में ध्यान है, तो कितना देगा नेता, तो सबके ले ले दिक्कत है। अच्छा आपका जो गांव है कौन सा गांव है? बकुरार। बकुरार गांव है तो पक्के सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर में हर गली में पक्का रास्ता है, हर घर में नल का पानी है, मिल रहा है? नहीं नहीं पक्का है। अच्छा नल नहीं अभी बिछाया, कुछ नहीं है, नल नहीं बिछाया ना। और जो विधायक मौजूदा है आपके क्षेत्र का, काम करा रहे हैं? कहाँ काम करा रहे हैं, नल काम भी चाहे नल जलते के खाली काम करा के चुड़वा दी। वो तो मुखिया का काम है, वार्ड मेंबर का काम है, विधायक आपके कुछ काम किए हैं कि नहीं? किया विधायक, नहीं किया नहीं। ये जो रास्ता है इस पर कितनी कठिनाई होती है आप लोगों को? ये तो रास्ता तो इतना खराब है कि आम पब्लिक जाता सबको दिक्कत है। अच्छा कितना में गया या विधायक, कितना मंत्री गया कहते गया, कोई सुनवाई नहीं, कितना इसको पैसा दिया, कौन करोड़ लिया, विधायक सब क्यों नहीं समझ रहे? तो हम लोग का दिक्कत है, आम पब्लिक की भी दिक्कत है। जब बांध टूटा तब से कोई सुनवाई नहीं। अच्छा हाँ यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं? नहीं बाढ़ एरिया टूटा ना सत्य के बाद में, लोग इसमें आते जाते हैं, आते जाते हैं इसी में है। हाँ कोई सुनवाई नहीं करता यही है। अच्छा कहीं दूसरे चोर वाले रास्ते में से भागते नहीं है ना, तो लोग जनता उसे पकड़ते नहीं कि हाँ देखिए क्या पकड़े बात जा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा क्या या हो जाएगा, जोश करना है कीजिए, हम क्या करें, हमारा तैयार है कोई। मेरे साथ एक व्यक्ति और है जिनका यहाँ पे दुकान है, 2 से 3 साल से इनकी दुकान है और यहाँ पे वो इस रास्ते को ख़राब होते हुए आँखों से देखे हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आपकी दुकान यहाँ पे है कई साल से, ये रास्ता है, सरकार या प्रशासन या नेता की नज़र इस पर क्यों नहीं आती है? तो सर ने इस पर नहीं आता इसलिए एक बार तो बता दीजिए, नहीं यहाँ से न की करेगा पेट्रोल पंप से न की करेगा मोड़ देगा, उधर जो सीधे निकाल देगा ब्लॉक में, वो सीधा रास्ता जो माने पक्की सड़क है, वो जगह बैठा हुआ रहता है तो उसका अमचा चमचा सब बैठा हुआ रहता है, उसी जैसा घुमा देता है, से जाइए इसमें हमारे बाबूजी जी जाइए इसमें है जन चले जाइए सीधे ब्लॉक में,
ये खराब रास्ता जन देखेगा तो अपन तेरे के गण में पसार देगा, ये रास्ता बिल्कुल सही है माने लिखा देगा, मन दिखा देगा वो रास्ता है, कहेगा ये रास्ता सही है। इसमें क्या बोले सर जन, बोलते बोलते सर ये आने वाला विधानसभा चुनाव में मुझे बताइए कि नीतीश अच्छा आपकी नज़र में या तेजस्वी यादव? अभी तो सरकार जो हम लोग कहते हैं नीतीश जन अभी ठीक है, माने इस साल छुतिया जो है वोट लेकर जनता ने बैठ गया जो क्या किया जाए इसको, वो वादा किए थे क्या? हाँ वादा किए थे सर, हम यहाँ से लेकर हुआ तक ले रोड बना देंगे, माने अभी तक ले उसको पता नहीं जन मर गया कि जिंदे से मालूम नहीं है टूना सिंह। हाँ उसको जन उसको वोट के नाम पर जन जूता का माला टांगा हुआ है, कहाँ पे टांगा हुआ? हाँ तस्वीर है ना, जाइएगा जना वहाँ नूनिया टोला के सामने जना उसको तस्वीर पर देखिएगा जूता का माला टांगा हुआ है। अच्छा टांगा हुआ है? हाँ हाँ। अच्छा हाँ उसको कौन टांगे ये? अब कौन टांगा, अब टांगने वाला जिसको जन खुशी होगा वो टांगा होगा, जो नाराज होगा वो नहीं टांगेगा। नाम क्या हो? अच्छा जी हमारा ओम प्रकाश पंडित। ये ओम प्रकाश पंडित सर है, इनकी नाराजगी स्थानीय नेताओं को लेकर है और साफ तौर पर कहना है कि ये जो रास्ता पूरा इलाका, ये जो पूरा रास्ता है बरगनिया को सीतामढ़ी से जोड़ने वाला इलाका है और ये पूरा क्षेत्र जो पड़ता है वो सीमावर्ती नेपाल से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ है और लोगों की नाराज़गी आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगी। अकरम ज़फ़ीर, मिला टाइम्स, बरगनिया, सीतामढ़ी।